नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रक लवर बाय अजय में। आज जो हमारे पास गाड़ी बन के जा रही है टाटा की 4830 गाड़ी BS6 फेज 2 बिहार से, ये गैजिला से हमारे पास गाड़ी बनने के लिए है। इस गाड़ी का जो सा काम है हमने बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से काम किया है। सबसे पहले इस गाड़ी के फ्रंट के बारे में बात करें तो फुल फ्रंट है, ये टूल से लेके 5 इंची गोले तक ये स्टील के साथ तैयार किया गया है। इसमें जो से हमने स्टील इस्तेमाल किया 24 गेज और 26 गेज की जो स्टील इस्तेमाल की गई है। डिजाइनिंग का काम देख सकते हो, लाइटिंग का काम देख सकते हो, बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से जो काम किया गया है। ऊपर की तरफ आपको गुड्स कैरियर की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, माता जी की तस्वीर, ऑल इंडिया परमट की बैजिंग, नमो शिवाय की बैजिंग, यहाँ पे जय माँ भद्रकाली की आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी। 2 आई गेट्स, हैंडमेड सैंडल लगाए गए हैं, सभी काम है जो आपको टोटली ओरिजिनल काम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हैवी हैंडमेड सैंडल देखने को मिल जाएंगे, 2 इंची हैवी खंडा, और साथ में आपको फुट स्टेप की विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी मिल जाएगी। ब्लाइंड स्पॉट्स मिरर देख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से वो कवर किए गए हैं। लाइटिंग का काम देख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से वो लाइटिंग का फ्रंट का काम किया गया है। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ बात करें तो ब्लैक कलर का बम्पर लगाया गया है, डबल हेडलाइट्स का आपको थ्रो देखने को मिल जाएगा। साइड में हमने जो स्टील का काम किया गया है, जो सा काम है बहुत ही अच्छे तरीके से वो काम किया गया है। यहाँ पे आपको फुट स्टेप की विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी जो है फुट स्टेप की विजिबिलिटी लगा के दी गई है, और यहाँ पे आपको बिहार नंबर आप देख सकते हो। गाड़ी बहुत ही दूर से जो है गाड़ी हमारे पास बनने के लिए है। शो में आपको मूस का डिजाइन, इल्फैक्टर, आई गेट, सभी काम जो है आपको गिल ट्रक बॉडी बिल्डर्स की वर्कशॉप में मिल जाएंगे। यहीं पे हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो जो सर साइड का काम है, साइड का काम भी बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से साइड का काम किया गया है। टूल से लेके यहाँ पे 5 इंची गोले तक आपको हाफ स्टील का काम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो सी स्टील लगाई गई, इसमें जो है 24 गेज और 26 गेज की स्टील है, साइड में इस्तेमाल की गई है। 4 पत्ती का डिजाइन आपको सामने की तरफ देखने को मिल जाएगा, सामने की तरफ, और खिड़की के ऊपर आपको जो ब्लाइंड स्पॉट्स मिरर देखने को मिल जाएंगे, हैंडमेड सैंडल। यहाँ पे आप लाइटिंग का काम देख सकते हो, ऊपर ट्राले का डिजाइन, सभी काम ये आपको एक ही जगह गिल ट्रक बॉडी बिल्डर्स की वर्कशॉप में मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जेड का डिजाइन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे मिरर लगा के दिया गया है। अगर आप रेड लाइट पे रुके हो तो साइड में गाड़ी वगैरह देखने के लिए या बाइक वगैरह देखने के लिए आप इजीली यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे आपको बड़ा सारा फुट स्टैप देखने को मिल जाएगा, उसमें लाइटिंग का काम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको गिल ट्रक बॉडी बिल्डर्स का मार्का और नो ज्वाइंट वाली किनारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो विदाउट ज्वाइंट के साथ जो किनारी लगाई गई है, और आगे की तरफ देख सकते हो माइटिंग का काम किया गया है। जहाँ पे ना जो सा गाड़ी का एयर क्लीनर आ जाता है उस पर धूल मिट्टी वगैरह ना जाए, तो इसीलिए हमने जो माइटिंग का काम किया गया है। यहाँ पे आपको पीछे की तरफ भी माइटिंग का काम देखने को मिल जाएगा। तेल वगैरह डालने की आपको यहाँ से साइड से ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, ढक्कन लगा के दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से आप इजीली ऑयल वगैरह डाल सकते हो। और यहीं पे हम बॉडी के बारे में बात करें तो जो सा बॉडी का काम है बहुत ही अच्छे तरीके से वो बॉडी का काम किया गया है। सबसे पहले बॉडी में क्या आ जाता है, बॉडी और कैबिन का ज्वाइंट, तो यहाँ पे आपको यू क्लैंपिंग प्लस नट बोल्टिंग के साथ ही बॉडी कैबिन का ज्वाइंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टोटली जो सा काम है ना मजबूती के साथ किया गया है। सबसे पहले क्या आ जाता है, बॉडी का जो सा ज्वाइंट है वो सही से लगना चाहिए। यहाँ पे नीचे की तरफ सेंटर में और उसके ऊपर आपको जो यू क्लैंपिंग प्लस नट बोल्टिंग का काम देखने को मिल जाएगा। 3 आपको साइड में सीढ़ी देखने को मिल जाएगी, और उसके ऊपर देख सकते हो चेक प्लेट का कूना लगाया गया है, और उसके ऊपर भी जो हैवी कूना लगाया गया है। इस गाड़ी में जो सा ऊपर की तरफ चैनल है 3 इंची चैनल, यहाँ पे आपको विदाउट ज्वाइंट वाला आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो उसके ऊपर 2.5 इंची पाइप का इस्तेमाल किया गया है। जो सा ऊपर की तरफ पाइप लगाया गया ना 1 फीट पर किलो के वेट में जो है पाइप लगाया गया है। 3 आपको लर देखने को मिल जाएगी, डबल हुक का काम देखने को मिल जाएगा। 5 फीट की जो है टाटा स्टीलियम की चादर लगाई गई है, उस पे हुक का काम और लर पे आपको हुक का काम देखने को मिल जाएगा। यहीं पे हम लाइटिंग के बारे में बात करें तो गाड़ी के सेंटर में और पीछे की तरफ जो है लाइटिंग का काम किया गया है। एड ब्लू टैंक की सेफ्टी के लिए ये हमने जाला लगाया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से जाल का काम किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ जालर का डिजाइन भी दिया गया है, और टायर के पास जो है आप लाइटिंग का काम देख सकते हो। पीछे की तरफ सभी जो है टायर के पास जो है लाइटिंग का काम किया गया। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ भी जो है लाइटिंग का काम देखने को मिल जाएगा, ताना रॉड डलवा सकते हो। यू क्लैंपिंग प्लस नट बोल्टिंग के साथ जो है हमने काम किए हैं। यहीं पे हम बॉडी के फिनिशिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जो सी काम की फिनिशिंग है बहुत ही अच्छे तरीके से जो गाड़ी का काम किया है। यहीं पे आप एक बार बॉडी की फिनिशिंग देख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से लाजवाब तरीके से वो बॉडी की
पेंटिंग का काम किया गया है, चमक देख सकते हो, बॉडी बहुत ही ज्यादा जो है चमक मार रही है स्टील की। आपको किनारी देखने को मिल जाएगी, विदाउट ज्वाइंट वाली आपको किनारी देखने को मिल जाएगी। एडजस्टेबल आपको मर्स फ्लैप देखने को मिल जाएगा, जहां चाहे वहां पे आप एडजस्ट कर सकते हो। स्पेयर व्हील की आपको यहां पे ऑप्शन मिल जाएगी, और पीछे की जगह भी आपको लाइटिंग का काम देखने को मिल जाएगा। 2 इंची हैवी पत्ती देखने को मिल जाएगी। यहीं पे हम गाड़ी के बैक लुक के बारे में बात करें तो गाड़ी का जैसा बैक का काम है, बहुत ही अच्छे और मजबूत तरीके से वो बैक का काम किया गया है। 2 इंची एंगल स्ट्रक्चर के साथ जो है डाला तैयार किया गया है। साइड में दोनों साइड आपको जो है डबलिंग का काम देखने को मिल जाएगा, और ब्लो हॉर्न की बैजिंग बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से रेडियम टेप का काम किया गया है। यहाँ पे आप जाली देख सकते हो, 1.5 इंची एंगल स्ट्रक्चर के साथ जो है जाली तैयार की गई है। पूरी जो हैवी जाली लगाई गई है। पीछे की तरफ आपको स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ का मार्का देखने को मिल जाएगा। नेम प्लेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सेंसर्स की विजिबिलिटी आपको दोनों तरफ सेंसर्स की विजिबिलिटी देखने को मिल जाएगी, प्लस आप पार्किंग सेंसर्स और रिवर्स कैमरा आपको साथ में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बैक में लाइटिंग का काम भी किया गया है। अगर आप गाड़ी वगैरह बैक करते हो तो एक्यूरेट देखने में आपको आसानी रह जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 mm की हैवी चेक प्लेट लगाई गई है। और यहीं पे हम ड्राइव साइड के बारे में बात करें, जौन सा गाड़ी का ड्राइव साइड का काम है, सेम जैसे कनेक्टर साइड में किया है वैसे ही आपको ड्राइव साइड में देखने को मिल जाएगा। इंडियन फ्लैग की आपको साइड में क्रॉसिंग देखने को मिल जाएगी। अगर आप सच्चे भारतीय हो तो एक लाइक जरूर करना। तो आपको बड़ा सारा टूल बॉक्स देखने को मिल जाएगा। जैक वगैरह डालना है, रॉड वगैरह डालनी है तो वो आप इजीली डाल सकते हो। यहाँ पे आपको पीछे की तरफ लाइटिंग का काम देखने को मिल जाएगा, और आगे की तरफ भी जो है लाइटिंग का काम देखने को मिल जाएगा। और एडजस्टेबल आपको मर्स फ्लैप देखने को मिल जाएंगे, विदाउट ज्वाइंट के साथ आपको किनारी देखने को मिल जाएगी। और पीछे की नीचे की तरफ बात करें, लाइटिंग का काम मिल जाएगा, और आप ताना राड डलवाना चाहते हो वो भी डलवा सकते हो। और यहीं पे हम मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आप देख सकते हो यू क्लैंपिंग प्लस नट बोल्टिंग के साथ काम किया गया है। दोस्तों हमारा काम है टोटल एयरवे में ना यू क्लैंपिंग प्लस नट बोल्टिंग का काम किया ही गया है। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो, और आगे की तरफ आपको जो है यू क्लैंपिंग प्लस नट बोल्टिंग का काम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ताना राड प्लस यू क्लैंपिंग पर नट बोल्टिंग का काम मिल जाएगा। अगर आपने जैक वगैरह लगाना है तो वो भी आपको यहाँ पे विजिबिलिटी मिल जाएगी। अंदर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 5 mm की चेक प्लेट का आपको फर्श देखने को मिल जाएगा। गाड़ी का जौन सा काम है बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से वो गाड़ी का काम किया गया है। यहाँ पे आपको फट्टा बॉक्स देखने को मिल जाएगा। डीजल टैंक की सेफ्टी के लिए आपको बड़ा सारा जाल देखने को मिल जाएगा, और उस पर आप ट्राले का डिजाइन देख सकते हो। यहाँ पे आप लॉक्स का काम देख सकते हो, ओरिजिनल लॉक्स लगाए गए, जौन सा टाटा कंपनी खुद ब खुद बेचते हैं ना, वही हमने यहाँ पे लॉक इंस्टॉल किया। जौन सी स्टार्टिंग की है वही की से आप यहाँ पे डीजल टैंक का ढक्कन खोल सकते हो। स्पेयर बॉडी पाइप्स कंजा आपको सभी ये है एक ही जगह पे मिल जाएगी गिल ट्रक बॉडी बिल्डर्स की वर्कशॉप में। अगर आपने काम करवाना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, हमारा लिंक मिल जाएगा, और वीडियोस देखने के लिए पेज को फॉलो कर लो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहीं पे हम गाड़ी के कैबिन के अंदर के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से कैबिन अंदर से तैयार किया गया है। टोटली 3D कैबिन लगाया गया है, यहाँ पे आप अंदर से देख सकते हो, बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से कैबिन का काम किया गया है। यहाँ पे मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ बारीकी से। यहीं पे हम कैबिन के अंदर के बारे में बात करें, कैबिन अंदर से बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से जो है अंदर से कैबिन तैयार किया गया है। यहाँ पे आपको लाइटिंग का काम देख सकते हो, डेकोरेशन का काम देख सकते हो, टोटली जो सा वुड का काम है ना बहुत ही अच्छे तरीके से जो वुड का काम किया गया, पूरी सफाई से जो है आपको काम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सनवाइजर की तौर पे मिरर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे झालर का डिजाइन देख सकते हो, बाबा जी का मंदिर, फ्लोर का बॉक्स, और सामने की इंटीरियर थोड़ी अभी पेंडिंग है, वो मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में दिखा दूंगा। यहीं पे हम बॉक्स के बारे में बात करें, सभी बॉक्स में आपको जो है लॉक्स का काम देखने को मिल जाएगा। ये आपको लॉक्स किसी भी बॉडी बिल्डर्स के पास नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटली बॉक्स में लॉक्स का काम किया गया है। पीछे की तरफ आपको शॉकर सिस्टम वाला आपको ढक्कन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप इजिली सामान वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे आप छत का डिजाइनिंग का काम देख सकते हो, बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से कैबिन का काम किया गया है। यहाँ पर आपको 10 इंची स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे, और पीछे रैक में लाइटिंग का काम बहुत ही जो है गाड़ी को 4 चांद लगाता है। आपको ये गाड़ी कैसी लगी नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और खिड़की के बारे में बात करें तो आपको सभी खिड़कियों में पर्दे देखने को मिल जाएंगे, इंस्पेक्टर लॉक्स, रेलवे लॉक्स, सभी काम जो आपको गिल ट्रक बॉडी बिल्डर्स की वर्कशॉप में मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको लाइटिंग का काम
ऊपर की तरफ बाबा जी के मंदिर में सभी जगह आपको जो है लाइटिंग का काम देखने को मिल जाएगा। बैग के बारे में बात करें तो आपको पीछे में ट्राली का डिजाइन, पंखा, पाइप, कपड़े वगैरह टांगने के लिए आपको पाइप देखने को मिल जाएगी, और सामने की तरफ भी आपको कपड़े वगैरह टांगने के लिए हुक वगैरह मिल जाएगी। बैटरों का जो सा हमने काम है ना वो ठीक कनेक्टर साइड के पीछे किया है। अगर आपने ड्राइवर साइड फीडिंग करवानी है तो आप ड्राइवर साइड करवा सकते हो, जहां चाहे आप बैटरों की फीडिंग करवा सकते हो। बाहर की तरफ बैटरों की सेफ्टी कम पड़ जाती है, इसलिए हमने जो कैबिन के अंदर जो है बैटरें इंस्टॉल कर दी है। अगर आपने किसी भी प्रकार का गाड़ी का काम करवाना हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, और वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को कर लो फॉलो। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही ग्राउंड लेवल की वीडियोस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।